Hello class 3, I am your English teacher. Today I am going to teach you grammar section chapter 3 male and female. Male purush ko bolte hain aur female stri ko. Some nouns name specifically male and female. Kuch nouns ko male aur female do bhagon mein divide kiya gaya hai. Male purush aur female stri. In grammar, the word gender is used to describe this feature of noun. और ये male और female को describe करने के लिए grammar में gender use किया गया है. तो gender हिंदी में हम लोग gender को बोलते हैं लिंग, जैसे हिंदी में लिंग use किया जाता है. और लिंग के दो भाग होते थे हिंदी में, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है. वैसे ही मैस्कुलिन जेंडर रिफर टू मेल. और मैस्कुलिन जेंडर किस लिए यूज़ करते थे? मेल्स को बताने के लिए, पुरुष. और फेमिनाइन जेंडर यूज़ किया जाता है फीमेल्स को बताने के लिए, स्त्री बताने के लिए. एक हम मैस्कुलिन और फीमेल, अगर हमें किसी का मैस्कुलिन पता है तो हम उससे फीमेल जेंडर किसी का बता सकते हैं. जैसे बॉय का मैस्कुलिन होता है गर्ल. द नाउन दैट can refer to both a male and a female is said to be of common gender. और कुछ noun ऐसे होते हैं जो male और female दोनों को बोले जाते हैं. male भी होता है और female भी होता है, तो हम उनको वो क्या बोलते हैं? common. common मतलब सामान्य, दोनों सामान्य चीज़ दोनों में सामान्य यूज़ होते हैं, तो वो gender होते हैं. जैसे कि doctor, किसी का जब किसी का प्रोफेशन या जो काम करता है तो उसमें मेल और फीमेल नहीं किया जाता, उसमें एक ही जेंडर यूज़ किया जाता है. डॉक्टर, लॉयर कोई, और जैसे कि ड्राइवर होता है तो उसमें मेल और फीमेल को नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही प्रोफेशन जो काम जो कर रहा है उसी को बताया जाता है. द डॉक्टर हैज़ अराइव्ड. डॉक्टर मेल भी हो सकता है, एक औरत आदमी भी हो सकता है, और फीमेल भी हो सकती है, एक औरत भी हो सकती है. इन दिस स्टेटमेंट डॉक्टर कुड ईदर बी अ मैन और अ वूमेन. जैसे कि मैंने बताया था अभी, मैन भी हो सकता है और एक वूमेन भी हो सकता है. अ नाउन दैट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर. चेयर, टेबल, ट्री. तो नाउन जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को बताते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान नहीं होती, हम लोगों ने बताया, जिनमें जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो जैसे कि ये पेंसिल, टेबल, चेयर, ट्रीज, जिनमें जान नहीं होती, तो उनके जो जेंडर को बताते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर. जैसे कि टेबल, चेयर, ट्रीज, बलून्स, रिबन्स कह सकते हैं, ये सब न्यूट्रल जेंडर के अंडर आ जाएंगे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी. सो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ेंगी. मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर लर्न करने पड़ेंगे आप लोगों को सबके. और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा. अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है टीचिंग में, कोई भी परेशानी हो रही है, तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर दें. जो भी